हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। आज की वीडियो में हम देखेंगे किनारा बैंक की कैश हैंडलिंग चार्ज, लेटेस्ट चार्ज जो किनारा बैंक सेविंग अकाउंट या करेंट या CC ODA अकाउंट में लगाती है अपने कस्टमरों पे। देखिए, अगर सबसे पहले हम सेविंग अकाउंट में देखेंगे, सेविंग अकाउंट में जो 50,000 तक की ट्रांजेक्शन है वो महीने में 3 ट्रांजेक्शन फ्री है। आप 3 मरतबा 50,000 के नीचे आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चौथी ट्रांजेक्शन अगर आप करने जा रहे हैं तो आपको 1,000 चार्ज लगती है, पर मिनिमम 50 रुपया है और मैक्सिमम 5,000 रुपया है प्लस GST। मान लीजिए आपने 50,000 तक 3 बार फ्री कर दिया, उसके बाद आप चौथी बार उसी महीना में मान लीजिए 10,000 आप जमा करने जा रहे हैं, तो हमने यह देखा कि 4 ट्रांजेक्शन 1 रुपया लगेगा पर मिनिमम 50 रुपया है। तो इस हिसाब से आपको 10,000 यानी 1,000 में 1 रुपया यानी 10 रुपया प्लस GST लगना चाहिए था, पर नहीं, हमने यहाँ देखा कि मिनिमम 50 रुपया है। तो आप 10,000 भी करने जा रहे हैं तीसरी मरतबा के बाद तो आपको 50 रुपये पर GST लगेगा। वहीं मान लीजिए अगर आप 51,000 जमा करने जा रहे हैं तब आपकी 1 रुपया पर 1,000 यानी 51 रुपया प्लस GST लगेगा। तो चलिए दोस्तों, ये क्लियर है। वहीं अगर आप 50,000 से ऊपर जमा करने जा रहे हैं तो आपको 1 रुपया प्लस GST लगेगा, बट मिनिमम 50 रुपया है और मैक्सिमम वही 5,000 रुपया है। ठीक है दोस्तों, ये सेविंग अकाउंट के लिए था। और जहाँ तक करेंट अकाउंट की बात है तो पर डे 1,000 1 लाख तक फ्री है। 1 लाख से ऊपर अगर आप जमा करने जा रहे हैं तो पर 1,000 2 रुपया पर मिनिमम, पर 1,000 2 रुपया है बट मिनिमम है 100 रुपया प्लस मैक्सिमम 5,000 पर ट्रांजेक्शन। देखिए, 1 लाख तक आपने कर दिया, 1 लाख से ऊपर मान लीजिए आप करने जा रहे हैं 1,10,000 रुपया, तो यहाँ पे मैंने देखा कि पर 1,000 में 2 रुपया है, पर 10,000 में आपको 20 रुपया लगने चाहिए था, पर नहीं, क्योंकि मिनिमम 100 रुपया है तो आपको यहाँ पे लगेगा। अगर आप 1,10,000 भी करने जा रहे हैं तो 100 रुपया प्लस GST। वहीं अगर आप 2 लाख रुपया जमा करने जाएंगे तो आपको कितना लगेगा, 1 लाख तक फ्री है और दूसरे 1 लाख में 200 रुपया आपको लगेगा, हर 1,000 पे 1 लाख यानी 1 लाख पे 200 रुपया, 200 रुपया प्लस GST। ठीक है, ये था आपके CC ODA के लिए। पर डे 1 लाख फ्री है, 1 लाख से ऊपर आपको 2 रुपया पर 1,000 देना होगा। वहीं अगर हम देखते हैं, अगर आप सेविंग CC ODA या करेंट अकाउंट में छोटे डेनोमिनेशन के नोट जमा करते हैं यानी 50 रुपया या उससे नीचे के नोट जमा करते हैं तो आप पर डे 1,000 पीस या 10 पैकेट जमा कर सकते हैं जिसमें कोई चार्जेस नहीं लगेगी। वहीं अगर आप 1,000 पीस या 10 पैकेट से ज़्यादा आप जमा करने जाते हैं तो आपको 10 रुपीस पर पैकेट और पर डे ऑफ देना पड़ता है, पर मिनिमम 10 रुपया है और मैक्सिमम 10,000 प्लस GST है। तो 1,000 पीस तक 50 रुपया के नीचे अगर डेनोमिनेशन आप जमा कर रहे हैं तो कोई चार्ज नहीं, 1,000 पीस के ऊपर अगर आप जमा करने जा रहे हैं तो पर 1,000 पीस और पर 10 पैकेट्स आपको 10 रुपया देनी पड़ती है। देखिए, ये जो चार्जेस है हमने जो देखा था सेविंग या करेंट अकाउंट में कैश हैंडलिंग चार्ज है, उसके एडिशनल ये चार्ज है। यानी कैश हैंडलिंग चार्ज तो आपको देनी होगी, पर ये छोटे नोट जमा करने के चार्जेस भी आपको अलग से देनी होगी। तो चलिए दोस्तों, ये थी कैश हैंडलिंग चार्ज किनारा बैंक की लेटेस्ट। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।